everyone, what's up? Welcome back to my channel. And in this video I'm going to share with you bridal makeup tutorial. So I hope you will like and enjoy this video. And जो भी product मैं इसमें use करूँगी वो मैं सारा link उसका description में डाल दूँगी. अगर आपको वो purchase करना है तो आप link checkout कर सकते हो. तो video start करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बालों को अच्छी तरीके से बांध लीजिए आप. ओके, अब हम फेस पे, अभी मेरे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हो. अब हम प्राइमर यूज़ करेंगे. प्राइमर से हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं और जो मेकअप होता है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है. और आप इसको हाथ से ही अच्छी तरीके से चेहरे पे लगा लीजिए. इससे आपका जो मेकअप है वो अच्छी तरीके से क्लीनिंग लुक आएगा एंड ऐसा नहीं केकी केकी नहीं लगेगा. तो प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम कंसीलर यूज़ करेंगे. मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. जहाँ पर भी आपके डार्क स्पॉट हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या पिंपल है तो वहाँ पर आप रेड कलर का कंसीलर यूज़ कीजिए. मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ. अगर आपको डार्क स्पॉट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो. इसके बाद हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे. जो भी कलर टोन आपकी स्किन से मैच करता हो आप वही फाउंडेशन यूज़ कीजिएगा. और इसको स्किन पे इसे ब्लेंडर से डैब डैब करके ब्लेंड करेंगे. अब हम चीक्स एंड जॉ लाइन पर कॉन्टोरिंग करेंगे. और इसे भी ब्लेंड कर लेंगे. अब नोज पर कॉन्टोरिंग करेंगे. अब नोज को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज़ करेंगे. और आंखों के नीचे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए भी कंसीलर यूज़ करेंगे. और इसी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे दूसरी साइड से. आपको ब्लेंड बहुत ही सॉफ्टली करना है. अब हम आई मेकअप करेंगे और आईब्रो को फिल करने के लिए जेल आईलाइनर यूज़ करेंगे. आईब्रो को नेचुरल लुक देने के लिए हम ब्राउन कलर से इसको फिल करेंगे. अब हम आई शेडो अप्लाई करने के लिए आईलेट पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेंगे. इससे आप जो भी आई शेडो अप्लाई करोगे उनके कलर एकदम नेचुरल आएंगे. अभी हम आई शेडो यूज़ करेंगे.
और फिंगर से ही हम ऊपर की तरफ वाइट कलर के आई शेडो से हाईलाइट करेंगे। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अब हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम आईलैशेस को कर्ल करेंगे। और अब मस्कारा यूज़ करेंगे। आई को हैवी लुक देने के लिए हम सेम आई शेडो से आंखों के नीचे भी अप्लाई करेंगे। अब हम काजल अप्लाई करेंगे हल्का हल्का। अब नेक्स्ट हम ब्लश यूज़ करेंगे। और ब्लश आप जो भी कलर पिंक या रेड जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको हल्का हल्का चीक्स पर डैप कीजिए। और अभी इसी ब्रश से इसको ब्लेंड कर लीजिए। अब लास्टली मेकअप को सेट करने के लिए हम लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे और हल्का हल्का हम इसे ब्रश से ही अप्लाई करेंगे। अब हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। अपने मेकअप के अकॉर्डिंग आप गोल्डन या सिल्वर कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। आप ब्रश से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लिप लाइनर यूज़ करेंगे। एंड डार्क कलर की लिपस्टिक यूज़ करेंगे, लिक्विड लिपस्टिक। आप कोई सी भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। अब हम आईलैशेस यूज़ करेंगे और इसके लिए हम अलग से ग्लू यूज़ करेंगे क्योंकि जो इसके साथ आता है उससे अच्छी तरीके से ये चिपकती नहीं है। और इसे हम प्लकर से बिल्कुल बीच में पकड़ेंगे और इसको जस्ट आईलिड के बीच में रख कर ही चिपकाएंगे। अब लास्ट में हम मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ करेंगे। और थोड़ा इसको ड्राई होने देंगे। नाउ यू कैन सी फाइनल लुक।